राम जी की। तो आज हम लोग आए हैं छतरपुर के प्रसिद्ध स्थान दग्धराजन माता। तो आषाढ़ के महीने में ये मान्यता है कि आषाढ़ के महीने में हम घर मंदिर आते हैं, किसी भी दिव्य स्थान पे आते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक भटलकरिया बना के माता जो भी देवी देवता है उनको चढ़ाते हैं और फिर खुद अपने परिवार के साथ ग्रहण करते हैं। तो हम लोग आए हैं अभी इस वक्त दग्धराजन माता में। तो सभी हम के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमारी भटा गकरिया की तैयारी हो रही है। तो चलिए चलते हैं। नानी और मम्मी ने तो कंडे की आग में गकरियां सेकनी शुरू कर दी हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बैगन के भट्टे का क्या हाल है। आग में बैगन और टमाटर तो भून ही चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको मैश करके फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। बैगन के भरते के साथ हम दाल को भी फ्राई कर लेंगे और हमारी गकरियां जो हैं लगभग सिक ही चुकी हैं और हमारी मामी जो हैं अब इसमें घी लगाएंगी। अब हमारी मामी ककड़ियों में घी लगा रही है। तो हमारी लगभग लगभग पूरी डिश कंप्लीट हो ही चुकी है, अब बस सर्व करने की देर है। तो इधर पे मेरी फेवरेट डिश बनके तैयार है। आम रखा हुआ है, ककड़िया है, सलाद है, भरता है और मिक्स दाल के साथ उसको खाने का मजा ही कुछ और है। वही मैं तो खा रही हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। आप पूरा ब्लॉग देख लो। खाना ना सब गया था, हम लोग चलते हैं हमारे घर। तो बाय बाय।